नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ का वेब पोर्टल। चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ अखिलेश यादव के परिवार के लोग जहां चुनावी मैदान में लग गए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ लगातार नामांकन के बाद से जगह जगह सभाएं करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। निरहुआ के साथ अब फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जुड़े लोग भी आ गए हैं और उनका कहना है कि दिनेश लाल यादव और निरहुआ इस बार एक नया इतिहास रचेगा। क्या रही पूरी रिपोर्ट, देखिए राम सकल यादव की इस रिपोर्ट में। आजमगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशी और भोजपुरी सिने स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ लगातार अपनी सभाओं और नुक्कड़ों के जरिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दरअसल आजमगढ़ में अखिलेश यादव को चुनावी टक्कर देने के लिए बीजेपी ने यहाँ भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। शुरुआत के दौर में देखने से यह लग रहा था कि निरहुआ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने हवा हवाई साबित होगा, लेकिन जिस तरह से निरहुआ ने लगातार कैंपेन शुरू किया और लगातार प्रतिदिन जनसभाओं को संबोधित किया, उसे देख करके अब लोगों के जुबान से अपने आप निकलने लगा है कि यहाँ लड़ाई कांटे की होगी। निरहुआ के लगातार जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है, लोग उसे देखने, उसके साथ फोटो खिंचवाने आज के लिए लाइन लगाने लग रहे हैं। इतना ही नहीं, निरहुआ जहां भी जा रहा है वहां वह प्रधानमंत्री की नीतियों को बताते हुए विकास के नाम पर वोट मांग रहा है। निरहुआ का साफ तौर पर यह कहना है कि उसे देश का विकास चाहिए और देश के खिलाफ यदि उसके चुनावी मैदान में उसके माँ बाप भी रहते तो वह चुनाव लड़ता, क्योंकि उसके लिए देश सर्वोपरि है। इतना ही नहीं, हमसे बातचीत के दौरान दिनेश लाल यादव का यह भी कहना था कि अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है। ऐसा इसलिए वह कह रहे हैं क्योंकि उनके लोगों ने दलितों को मारना, पीटना और धमकाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि दो दिन पहले ही मुनीरपुर में अपने घर भाजपा का झंडा लगाने पर एक दलित युवक की सपा के गुंडों ने पिटाई कर दी थी, क्योंकि अपनी संभावित हार से अखिलेश यादव बौखला गए हैं और उनके समर्थक मारपीट पर उतर गए हैं। वहीं निरहुआ के चुनाव को देखते हुए भोजपुरी फिल्मों से जुड़े अभिनेता और अभिनेत्री भी निरहुआ के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। सभी निरहुआ को बधाई देते हुए निरहुआ की जीत की कामना कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां देना चाहती हूँ। और जो पार्टी उन्होंने ज्वाइन की बीजेपी, तो उनके जो लीडर है, मेन लीडर नरेंद्र मोदी जी, वो मेरे सबसे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं। अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा उनका काम लगता है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दिनेश जी के। आपके दिनेश जी ने जब ज्वाइन किया काफ़ी सारे फोन आए, आपके पास भी आए होंगे, तो आपके को स्टार बाकी स्टार क्या रिएक्शन था उस पर? एक्चुअली सब लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि दिनेश जी, हम सब जानते हैं दिनेश जी बहुत ही जेन्युइन इंसान है, बहुत ही सोच विचार करके उन्होंने अपने लाइफ के सारे डिसीजंस लिए हैं। जब उन्होंने सिंगिंग करियर शुरू किया तो आते ही हिट हो गए, जब उन्होंने फिल्मों का करियर शुरू किया पहली दूसरी फिल्म से ही हिट हो गए। तो हमको पूरी तरह से यही उम्मीद है कि यहाँ भी जाएंगे तो दिनेश जी झंडे गाड़ेंगे। और हम सब, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के ही नहीं, बाकी इंडस्ट्री के भी जितने लोगों का फ़ोन आया और जितने लोगों ने बात की, सब यही कामना करते हैं कि दिनेश जी बहुत अच्छा करें और देश हित में बहुत अच्छे अच्छे करें। उनका मुकाबला जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है अभी तक कंफर्म नहीं है, सपा के एक बड़े नेता से है, तो आपके नज़रिए से क्या होना है वहाँ? ये तो मैं नहीं जानती, बट मुझे ये चीज़ पता है कि अगर दिनेश जी को कॉन्फिडेंस है किसी चीज़ पर तो वो अच्छा ही करें। और अभी के लिए वी आर ऑल जस्ट होपिंग वेरी गुड, और हम लोग यही कामना करते हैं भगवान से कि जीवन के हर अच्छे क्षेत्र में दिनेश जी आगे बढ़े। अगर उनके साथ कुछ अच्छा होगा तो उस अच्छाई की परछाई सब पर पड़ी और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री पर पड़ेगी, उनके चाहने वाले लोगों पर पड़ेगी। वो कभी भी कोई सेल्फिश डिसीजंस नहीं ले सकते, तो मैं यही चाहूँगी कि उनकी तरह अच्छे राजनीति में आए, अच्छे लोग राजनीति में रहे ताकि देश हित हो सके, जो बहुत हद तक
हमारे नरेंद्र मोदी जी से हो रहा है और मैं यही कामना करती हूँ दिनेश जी के लिए। तो चुनाव प्रचार में आपका क्या स्टेटस रहेगा, आप क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? अभी तक दिनेश जी ने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की है, बट मैं क्या, हमारी पूरी इंडस्ट्री एकदम डटे हैं दिनेश जी के साथ और रवि जी के साथ, मनोज जी के साथ, जब जो हम लोगों को बुलाए हम लोग हमेशा रेडी हैं। अभी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है यानी कि चुनाव, और इस चुनावी दौर में मेरे तीन सहयोगी सह कलाकार खड़े हुए हैं, श्री मनोज तिवारी जी जो कि दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट सर। और मेरे दूसरे को स्टार हमारे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरवा जी, मैंने उनके साथ काफ़ी सारी फिल्में की हैं और जैसे ही वो फिल्मों में हमेशा नंबर वन रहे हैं और चुनाव में भी और पॉलिटिक्स में भी सर आप नंबर वन रहेंगे, आपको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं, ऑल द बेस्ट सर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय फर्स्ट रियल हीरो रवि किशन जी, आपने हमेशा हर इंडस्ट्री पे राज किया है और आप गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आपको बेस्ट विशेस है सर और जीतना है। आप तीनों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ।